भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप मुदगल जी द्वारा किया शॉल श्रीफल के साथ 11,000 रूपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मान। बहन भावना शर्मा को कॉमनवेल्थ वुमेन इक्विप्ड बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक हासिल करने पर आज भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप मुदगल जी के साथ में किशन सिंह तोमर जी, संजीव बंटी शर्मा जी, नवल किशोर शर्मा जी, मुरारी लाल नेता जी, सिद्दीकी वकील साहब मित्रा जी, वकील साहब विश्वभर शर्मा जी और हरिशंकर धाकर जी, शुभम मुदगल जी, प्रदीप भैया जी, हेमंत भार्गव जी सहित पोहरी नगर के गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर बेटी को बधाई दी। मुदगल जी ने कहा कि आपकी मेहनत, संकल्प और समर्पण ने न केवल आपको सफलता दिलाई बल्कि हम सभी को गौरवान्वित किया है। आपकी इस उपलब्धि से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हम सब लोगों का जो इस उपलब्धि से जो हमारी बहन ने आज पोहरी नहीं, जिला नहीं, प्रदेश पूरे देश में जो अंतरराष्ट्रीय एशियन वुमेन बेंच प्रेस चैंपियनशिप जो साउथ अफ्रीका और पूर्व में पाकिस्तान में जीत का हम सभी को आज गौरवान्वित होने का जो मौका दिया, मैं उस बहन और उस डिप्टी रेंजर साहब को, उनके परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और बंधुओं, जिंदगी में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे खेलों का इतिहास हमारे देश में, आपने देखा होगा हमारे धर्म महाभारत में भी पासा का और शतरंज का खेल हमारे देश में, हॉकी और तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसे खो खो कबड्डी के खेल आज काल से ही चले आ रहे हैं। बंधुओं, हमारे जीवन में आज के समय में हम खेलों को अपना करियर का माध्यम भी चुन सकते हैं। जैसे आज आपने देखा हो कि हमारी बहन हमारी भावना शर्मा ने हम सबको गौरवान्वित भी किया और अपना एक शानदार करियर भी चुना। इससे आज हमारे क्षेत्र के पूरे अंचल के सभी बहनों को भी आगे बढ़ने का उनसे प्रेरणा मिल रही है। मैं हमेशा ईश्वर से करूंगा कि हमारी बहन भावना शर्मा इसी तरह से आगे भी जीवन में खेलती रहे, हमारे पौड़ी विधानसभा और हमारे जिला और पूरे देश का नाम रोशन करती रहे। आप इस मौके पर सभी बंधु आए और मुझे जो अवसर आपने सम्मान करने का मिला, मैं सभी का बड़ा आभारी हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में यदि मुझे मौका मिलता है तो मेरी ये भावना रही है और अभी भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ पूरी पौड़ी विधानसभा में कि जहाँ भी खेल ग्राउंड यदि चिन्हित होता है तो उसकी सफाई के लिए, प्रत्येक ग्राउंड के लिए मेरा कम से कम लक्ष्य है कि मैं कम से कम पौड़ी विधानसभा में 100 ग्राउंड तैयार करूँ, जिसके लिए मेरी छोटी सी रकम मैंने गांव में, जब भी मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो वहाँ के जब खिलाड़ी युवाओं से मिलता हूँ तो मैंने कहा कि 5,000 रुपये मैं प्रत्येक ग्राउंड की सफाई के लिए अपनी तरफ से व्यक्तिगत दूंगा। और भविष्य में मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने क्षेत्र में और जिले में खेल भावनाओं को बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और आप सभी अवसर बनाए, सभी को बहुत बहुत